हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ क्रिएटिविटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन छिलकों पर बात करने वाली हूँ। इस समय मटर का मौसम चल रहा है, घर में मटर तो बहुत आती ही होगी, तो आप इसे ही फेंक देते होंगे कूड़ा करकट समझ के। इसे बहुत ही कीमती है ये। पहला यूज तो इसे आप गाय को खिला सकते हैं, और दूसरा यूज आप इसे स्टोर करके रख लीजिए, सुखा के गमलों के नीचे रखने में बहुत ही उपयोगी होता है। इससे आपके गमले भी भर जाएंगे और बाद में कंपोस्ट होके खाद बन जाएगा और आपके पौधों को अच्छा पोटेशियम भी देगा। और दूसरा यूज़ देखिए, मैंने ये पानी में भिगो के रखा है। अब इसको पानी में भिगोने के बाद 2-3 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद इस पानी को सारे पौधों को, फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छी और ठंडी खाद है, जो ठंडियों में आप देंगे पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और उन्हें अच्छे पोटेशियम भी मिल जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, और इससे बहुत सुंदर सजाया भी जा सकता है पेंट करके। लेकिन आप उसे ना करना चाहें तो सिर्फ इसे स्टोर करके रख लीजिए, या आने वाले समय में आपको बहुत ही काम देगा। बाद में गर्मियों में जब आप पौधे लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, तो आपको ये बहुत ही अच्छा मल्चिंग का काम करेगा, नीचे गमला रखने का काम करेगा। तो आप जैसे चाहे वैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। शायद आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन पर्यावरण को इसकी ज़रूरत है, यही समझ के इसको स्टोर करके रख लीजिए। और सूख जाने में कोई फंगस भी नहीं लगेगा। अगर वैसे ना करना चाहें तो फिर इसे कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, और ये बहुत ही जल्दी खाद के रूप में तैयार हो जाती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, बहुत जल्दी 15-20 दिन में गल जाती है। बस यही बात करनी थी फ्रेंड्स आपसे। थैंक यू।